हेलो फ्रेंड्स, पोर्ट्रेट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परफेक्ट ड्राइंग। और ड्राइंग करने के कई तरीके हैं, जैसे आप लाइव स्केच करते हैं, कोई सामने बैठा है और आपने स्केच बना लिया। एक तरीका है कि आपने फ़ोटो ली, उस पर ग्राफ लगाया और आपने एक ड्राइंग कर ली। फिर एक तरीका आता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में ये है कि आपने एक ट्रेसिंग पेपर लिया, फ़ोटो ली, उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर से ड्राइंग करके अपनी ड्राइंग शीट पे उस ड्राइंग को आपने ट्रेस कर लिया। लेकिन इन सब चीज़ों में डिटेल लॉस हो जाता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं कैसे ट्रेसिंग करता हूँ और इसमें डिटेल लॉस भी ना हो, कम से कम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दो ब्रिक्स हैं, इसको इतने डिस्टेंस पे रख दिया। और फिर एक ये ग्लास, इसके ऊपर रख देते हैं हम। और ये एक एलईडी बल्ब मैं इसके नीचे रख के इसको लाइट बॉक्स बना देता हूँ। एलईडी बल्ब मैं इसलिए लेता हूँ ताकि ये गर्म ना हो। दूसरे बल्ब गर्म हो जाते हैं, उससे ये सरफेस ख़राब होने का डर है। तो एलईडी बल्ब बड़ा अच्छा रहता है। और ये एक मैंने फ़ोटो ली, ये नेट से लेके इसका एक प्रिंट आउट ले लिया, इसको रखा। और ये एक मेरी ड्राइंग शीट है जिस पे मैं ट्रेसिंग करना चाहता हूँ। ये देखिए, इसको हम ऑन करते हैं। ये हो गया हमारा लाइट बॉक्स। मैं ज़्यादा ड्राइंग करने के लिए ये लेड पेंसिल यूज़ करता हूँ। इसमें इसमें काफ़ी हल्की चलती है और बहुत ज़्यादा स्मजिंग नहीं होती। अब इसमें अगर आप देखें तो अभी भी डिटेल इतनी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, जहाँ जहाँ मैं बल्ब लेके जा रहा हूँ वहाँ थोड़ा दिखा रहा है। इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये ऑयल मीडियम है, मिट्टी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब ये इवेपोरेट हो जाएगा तो हमें ड्राइंग अपनी बिल्कुल क्लियर मिल जाएगी और उससे शीट भी ख़राब नहीं होती। ये मैंने इसमें डाल लिया था, इसके साथ एक बड़ा अच्छा डिस्पेंसर लगा हुआ है, ये वही ऑयल मीडियम है। ये देखिए, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। देखिए, अब जहाँ ज़्यादा हमें रोशनी चाहिए हम इसको बल्ब को शिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आईज़ की ड्राइंग से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल पेशेंटली इसमें काम करना पड़ेगा हमें।
ड्राइंग हमें मिल गई है, अब हम इसमें शेडिंग करेंगे। शेडिंग काफ़ी हल्के हाथ से करेंगे और धीरे धीरे कंट्रास्ट बढ़ाएंगे। कंट्रास्ट के लिए मैंने 6B पेंसिल यूज़ की है। वीडियो देखकर आपको लगेगा कि ये काम मैंने बहुत जल्दी कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसमें बहुत सारे ब्रेक लिए हैं और धीरे धीरे काम किया है। सो बी पेशेंट टू अचीव गुड रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।